नहाने के फौरन बाद हफ्ते में एक बार ये फेस पैक अगर आप ट्राई करोगे तो आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं होंगी, आपके चेहरे से झाइयां यानी पिगमेंटेशन गायब होगी, साथ ही आपके दाग धब्बे हल्के होंगे और आपकी रंगत निखारने में मदद करता है ये पैक। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, दिस इज़ ब्यूटिफुल यू और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छा फेस पैक आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, आपका एक एक लाइक अप्रिशिएट करता है। आपको लेना है यहाँ पर बनाना पील यानी कि केले के छिलके। केले के छिलकों को लेकर आपको छोटे छोटे पीस में कट करना है एंड देन उसको आपको एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है। इसमें मैं ऐड करूंगी एक कप भरकर अच्छे से पानी, क्योंकि हमें इसको अच्छे से बॉयल देना है इसीलिए, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स। अब इस तीनों चीज़ों को आपको बॉयल होने के लिए रख देना है जब तक कि अच्छी बॉयल ना ले ले और ये आपके केले के छिलके जो हैं अच्छे से पक नहीं जाए। साथ ही जो फ्लैक्स सीड का आप बोलते हैं ना स्लाइम आता है, जो जेल कंसिस्टेंसी आती है, वो ना आ जाए। उसके बाद आप इसका एक फाइन पेस्ट बना ले। अब ये पैक आपका रेडी है। ये आपकी स्किन के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट जैसे है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके चेहरे से रिंकल्स, फाइन लाइन्स, एजिंग साइंस को कम करता है। बिलीव मी, इसके लिए मैं कसम भी खा सकती हूँ कि अगर आपने ये पैक ट्राई किया तो आपको एक ही बार में रिजल्ट मिलेगा। लगाना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इसको ट्राई करना है हफ्ते में एक बार। चेहरे को ज़्यादा ब्राइटन अप करता है, साथ ही पिगमेंटेशन की अक्सर लड़कियों को परेशानी हो जाती है या फिर लेडीज़ को, तो आप इसको ट्राई कर सकती हो। अक्सर सनटैन को रिमूव करने के लिए ये बेस्ट क्लिंजर या फिर बेस्ट पैक साबित हो सकता है। केला एंड फ्लैक्स सीड का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट करता है। आपने लगता है जैसे कोई स्किन पर ट्रीटमेंट कराया हो, लेकिन हाँ, इसको रिमूव करने के बाद कोई अच्छा सीरम अप्लाई करना मत भूलना। इसको 15 या 20 मिनट नहीं लगाना है, जब तक लगाना है जब तक कि अच्छे से ना सूख जाए, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।